हाँ देखो सर, बच्चों को मैं बताता हूँ। देखो बच्चों, आज जो हम एक्सरसाइज 2.2 का पॉलीनोमियल्स चैप्टर का क्लास 9th का ये चैप्टर क्वेश्चन डील करने वाले हैं, ठीक है बच्चों? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, यहाँ पर जो है क्वेश्चन 2 है हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है ये, ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल। तो हमें ये जो पॉलीनोमियल है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है जब हमारी एक्स की वैल्यू 0 हो, एक्स की वैल्यू माइनस 1 हो, एक्स की वैल्यू 2 हो। तो आपको क्या करना बेटा, इस पॉलीनोमियल के हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो बेटा, सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे लेट, ठीक है, लेट पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, है ना, ये हमने लिख दिया, यहां तक डाउट। इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद हम ये लिखेंगे कि x एट, ठीक है, एट x इक्वल टू 0। हम एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो देखो बेटा, जब यहां पर हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहां पर px में x की जगह 0 होगा, यहां पर भी क्या होगा, x की जगह 0 होगा, माइनस 0 यहां पर भी 0 होगा, प्लस 3, ठीक है बच्चों। तो क्या आ गया आपका 0 * 5 0 हो गया, माइनस का 0 * 4 0 हो गया, प्लस 3, तो कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया, ये आपका आंसर आ गया पहले का, ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है। आपको बस कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, जो भी हमारी x की वैल्यू हो उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है बच्चों, जो भी हमारी x की वैल्यू से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब दूसरे क्वेश्चन में हम इसे फिर लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इक्वल टू दिस पॉलीनोमियल, ये जरा माइनस का 4x स्क्वायर, आगे पीछे ले सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना बेटा, x की जगह क्या लेट करना है, अगला स्टेप x की जगह माइनस 1 लेट करना है, ठीक है, माइनस का माइनस 1 का 1 स्क्वायर, प्लस का 5, माइनस का 1, प्लस का 3, ठीक है बच्चों। जब इसे सॉल्व करेंगे आप तो क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, जो कि माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, ठीक है, और इधर माइनस 5 और इधर प्लस 3, ठीक है, तो ये इधर माइनस 5 माइनस माइनस 4 माइनस 5 प्लस 3, तो कितना आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस का 9 और प्लस का 3, ये आएगा माइनस का 6 आंसर, ठीक है बच्चों, यहाँ तक थोड़ा आउट। अब हमारा लास्ट जो है थर्ड पार्ट को देखेंगे, ध्यान समझेंगे बेटा, यहाँ पर हम इसे भी लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 5x और प्लस का 3, ठीक है। उसके बाद बेटा यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, x इक्वल टू कितना है बेटा हमारा, देखो x इक्वल टू क्या है बेटा, 2 है, यहाँ पे लेट करो बेटा, x की वैल्यू 2 लेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है, x की वैल्यू हम क्या लेट करेंगे बेटा, 2 लेट करेंगे, प्लस 5 इंटू 2 लेट करेंगे, प्लस 3 लेट करेंगे। अब जब भी हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से लाइट करते हैं, देखो तो बेटा यहाँ पर आएगा आंसर माइनस का 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 5 हो जाएगा 10 और प्लस 3, तो ये जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 13, तो प्लस माइनस माइनस साइन जिसका आएगा जो बड़ा बड़ा कौन है, माइनस का 16 कितना आएगा बेटा, माइनस का 3 आंसर, ठीक है बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा। ये एक्सरसाइज 2.2 का बेटा फर्स्ट पार्ट है, तो प्लीज ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं बेटा, ठीक है, चलिए। देखो बच्चों, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है बच्चों, ठीक है, तो ये इसे ध्यान से समझेंगे बच्चों। इसमें देखो क्या करना है हमें, फाइंड पी 0 पी 1 पी 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल्स। आपको देखो बेटा यहाँ पर पी 0 इसका मतलब दे रखा है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2 रखनी है सभी पॉलीनोमियल में और हमें वैल्यू निकालनी है बच्चों, ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक, जितने भी बहुपद है सब में x की वैल्यू पुट करनी है और हमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला वाला हम पुट करेंगे एट, अब देखो पी 0 का मतलब क्या होता है, पी 0 का मतलब ये है, पी ब्रैकेट कॉमा 0 का मतलब है एट, पी ब्रैकेट कॉमा 0 का मतलब है x इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम हमारा पहला पॉलीनोमियल उठाएंगे हम जो है पी वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन, है ना, तो अब आप क्या करोगे बेटा, अब हम y की जगह क्या रखोगे, 0 रखोगे, x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, ये t भी हो सकता है, तो अब यहाँ पर हमने 0 पुट किया, तो 0 का y का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया आंसर। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होगा, दूसरे वाले में पार्ट में क्या करेंगे हम, दूसरे वाले पार्ट में पी 1 कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, पी 1 का मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या है 1 है, या फिर t की वैल्यू 1 है, या फिर y की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारा जो पॉलीनोमियल है वो क्या है बच्चों, y इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, है ना, तो यहाँ पर y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे, y की जगह क्या रखेंगे बच्चों, 1 रखेंगे, ठीक है, तो y की जगह हम 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, तो कितना आएगा बेटा, 1 माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 1, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट।
अगले स्टेप पे देखो, अगले स्टेप में क्या करेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट P2 का मतलब यह है कि x की वैल्यू हमारी 2 है या फिर y की वैल्यू 2 है या फिर t की वैल्यू हमारी 2 है। तो देखो बेटा पॉलीनोमियल जो है हमारा रखेंगे py² क्या हो जाएगा हमारा y² - y+1। देखो बच्चों तो अब यहां पर हम क्या करेंगे, तो y की जगह कितना रख देंगे, 2 रख देंगे, तो 2² - 2+1 है ना, तो जाएगा 4 - 2+1 तो कितना जाएगा बेटा 4 - 2, ठीक है, 4 - 2 - 2 तो 1 3 ये आ गया हमारा, यानी कि हमें इसकी जो पहली हमारा जो क्वेश्चन था उसके तीनों पॉलीनोमियल की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 2 पे। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, ठीक है, इतना एक काम करें जरा स्क्रीनशॉट लें इसका, मैं लॉक करता हूं बेटा, स्पेस नहीं है, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो ध्यान से समझेंगे, अब हमारा क्या है कि x की वैल्यू जो हमने लेनी है वो क्या लेनी है बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन सेकंड है, ठीक है, वहां पर जो पीटी ये है हमारा पॉलीनोमियल 2+t, ठीक है, +2t² और -t³, ये हमारा बच्चों पॉलीनोमियल है, ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, मैंने अभी पॉलीनोमियल लिख दिया है, ठीक। अच्छा अब उसके बाद पूछ रहा है कि p0 निकालो, p0 का मतलब ये होगा कि t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहां पर पुट करेंगे बेटा 0, ठीक है, तो 2+0+0² - 0³ है ना बच्चों, तो ये 0, ये 0 के मल्टीप्लाई किसी के साथ होगा, क्या 0 ये 0, तो क्या बचेगा 2 आंसर, ठीक है। अब उस तरीके से फिर अब हम अगेन एक बार फिर हम क्या पुट करेंगे p1, ठीक है, p1 का मतलब क्या है, टी की वैल्यू 1, p1 का मतलब क्या है बेटा, टी की वैल्यू 1, तो यहां पर हम बेटा टी की जगह क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो देखो 2+1+2 1² - 1³, ठीक है, तो कितना आएगा बेटा 2+1, चलो 1+2 3 हो गया, और 2 1 2 1² 1, ठीक है, और 1³ 1, तो ये आएगा 3 और 2 5 - 1 कितना आएगा 5 - 1 4 आंसर, ठीक है बच्चे यहां तक डाउट। अब हम क्या करेंगे P2 निकालेंगे, इसका मतलब हमारे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 2 हो जाएगी, तो P2 तो यहां पर 2 2 2, ठीक है, ये 2 एज इट इज आ गया और ये भी 2 आएगा t की जगह, और ये हमारा 2² हो जाएगा और ये -2³ हो जाएगा, ठीक है बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 और ये हो जाएगा 2 2² आएगा 4 और 2³ आएगा 8, ठीक है, तो 4 ये हो जाएगा 8 - 8, तो +8 - 8 कैंसिल आउट, हमारा क्या आ गया 4 आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, ये हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसका स्क्रीनशॉट लें, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं बच्चों। अब देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा p = x³, p = क्या है बेटा x³, ठीक है, थर्ड जो पार्ट है हमारा बेटा क्या है px = x³। अब तो देखो पहला वाला क्या है बेटा p = 0, p = क्या बेटा 0, इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 0 होगी, तो यहां पर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 का क्यूब की वैल्यू क्या आएगी 0, पहला आंसर। अब हम उसके बाद p = 1 निकालना है बच्चों, p = का मतलब क्या है x की वैल्यू 1, तो यहां पर 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1³ क्या आएगा ऑलवेज 1 आंसर, ठीक है, यहां तक कोई डाउट बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट है आपका p = 2 निकालना है, ठीक है, तो x = 2, p = 2 का मतलब x = 2, तो px ये यहां पर 2 रखेंगे बच्चों, तो 2³ कितना आएगा बेटा 2³ का मतलब है इसे 3 बार मल्टीप्लाई करो, 2³ का मतलब इसे 3 बार मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कितना आएगा 8 आ गया, यहां तक कोई डाउट बच्चों। अब उसके बाद हमारा जो है ये तीनों पार्ट इसके हो चुके हैं, अब हमारा लास्ट है जो फोर्थ पार्ट, उसे ध्यान से देखेंगे बेटा, इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब उसके बाद देखिए बेटा फोर्थ जो पार्ट है वो बहुत इजी है, ध्यान समझोगे, ठीक है, उसमें भी इसी तरीके से हम क्या करेंगे बेटा वैल्यू को पुट करेंगे, उसमें भी इसी तरीके से हम क्या करना है, एक्स की वैल्यू जो है एक बार 0 और एक बार 1 और एक बार 2 पुट करनी है, p0 का मतलब एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है यहां पर हमारे पॉलीनोमियल्स में, तो यहां पर 0 रख देंगे, यहां पर 0 रखेंगे 0 - 1, यहां पर 0 रखेंगे 0 + 1, तो बेटा ये क्या आएगा 0, तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा इनटू, और इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, तो +1 और -1 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा -1 आंसर। अब उसके बाद बेटा नेक्स्ट p = क्या रखेंगे बेटा 1, p = 1 का मतलब है एक्स की वैल्यू 1, p = 1 का मतलब एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो px, ठीक है, सॉरी p1 यहां पे रखो बेटा 1, p1 का मतलब 1 - 1 और 1 + 1, ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो गया 0 और 1 + 1 क्या आ गया 2,
तो 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा 0। अब रखेंगे बेटा p इक्वल टू 2, p इक्वल टू 2 का मतलब x की वैल्यू क्या है हमारी 2, और px की वैल्यू क्या है बेटा x माइनस 1 और x प्लस 1। तो x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे बेटा, x की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 हो गया और 2 प्लस 1 क्या हो गया बेटा 3 हो गया। यहाँ तक सबको समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बेटा बहुत इजी है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लें, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम डील करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे बेटा, ठीक है। इजी तरीके से समझ में आएगा सभी को, मेरा राम राम, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सभी को मेरा राम राम।